तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में है क्या? इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो मैंने आपको अभी भी बताया और पीछे वाली वीडियो में बताया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, काम हम डिवाइड करते हैं, देन उस काम को पूरा करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी देने के बाद उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, जवाबदेही बन जाता है, उस पर्सन को जवाब देना पड़ता है अपने बॉस को, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर ये होता है। अभी हम क्या बात करते हैं, कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ये क्या है, ये एक एक्सपेंशन फॉर्म है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। एक्सपेंशन फॉर्म कैसे है, इसको एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने जब कुछ काम सौंपा प्रोडक्शन मैनेजर को और जब उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी, अगर ये चीज सिर्फ यहीं तक रही, इसको हम बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर काम आगे सौंप देता है, अधिकार भी दे देता है, अथॉरिटी भी दे देता है, इसको अब हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब चीफ मैनेजर ने अपना काम इसको बताया, अथॉरिटी भी दी, तो यहां तक की तो बात है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर आगे अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट्स में भी काम बांट देता है, उसको भी काम करने की अथॉरिटी दे देता है, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में क्या हुआ, इट इज एन एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर तो ये है, पहला फीचर तो वही है, एक्सपेंशन फॉर्म है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। दूसरी बात, रोल ऑफ सब ऑर्डिनेट्स इंक्रीज होता है, सब ऑर्डिनेट्स के रोल में इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे 15 लोग, यहाँ पे 20 लोग। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, इस डिपार्टमेंट को काम दिया, इस डिपार्टमेंट को काम दिया, अब इस डिपार्टमेंट के अंडर में भी ये लोग लगे हुए हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, काम करने की पावर बढ़ जाती है, काम सिंपल तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्विक डिसीजन ले जाएंगे, उन सबकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, लोग हमारी फर्म में काम कर रहे होते हैं, हम उनको अधिकार ही नहीं देते काम करने के, तो उन लोगों को लगता है कि मैं तो सिर्फ बस काम करने के लिए आता चला जाता हूँ, मैं तो बस एक कठपुतली की तरह हूँ। तो अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो हम लोगों को काम करने की, काम को पूरा करने की पावर भी देते हैं, तो इससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उनका रोल बिजनेस में इंक्रीज हो जाता है, वो आगे आके काम करते हैं, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तीसरी बात, वर्कलोड कम हो जाता है। चीफ मैनेजर के पास काम बहुत सारा था, इसने मान लो 70% काम किसको दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर भी काम आगे किसको बांट देगा, आगे बांट देगा, तो इससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है, माइंड के ऊपर जो प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो काम को आगे आगे डिवाइड करते जाते हैं और काम को पूरा करने के आगे उनको अधिकार भी देते हैं, अथॉरिटीज भी देते जाते हैं। चौथी बात, डिसीजंस बाय इंप्लॉइज, इंप्लॉइज अब आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। जब हम किसी भी पर्सन को डिसीजन लेने की पावर देते हैं ना, तो हर उस इंसान को लगता है कि जैसे मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का ही काम कर रहा हूँ, तो इम्प्लॉइज बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। पांचवी बात, अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने क्या देखा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने ये देखा था कि जैसे भी आप सामने वाले को अथॉरिटी देते हो काम करने की, वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, जवाबदेही हो जाता है, उसको जवाब देना पड़ता है, किसको, बॉस को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने देखा था कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जवाबदेही भी ट्रांसफर हो जाती है।